पर पहुंचे और सबसे पहला बयान विधानसभा स्पीकर की तरफ से उस वक्त में आया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे और सरकार जेल से चलेगी। और मकसूद ये अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की पहले से पूरी तैयारी की थी, लगातार एक के बाद एक समन भेजे जा रहे थे पूछताछ के लिए। बिल्कुल 9 समन भेजे गए, कोर्ट तक यह मामला पहुंचा। कोर्ट पहुंचने के बाद जैसे ही हाईकोर्ट मामला पहुंचा, हाईकोर्ट से जब आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली तो ईडी की टीम ने आज तुरंत कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, यह बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी? आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है कि कोई क्राइम थोड़ी कितना छड़ जो नाल चल रहे थोड़े चार लोग घटते नहीं हो सकते। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले आप विधानसभा स्पीकर को सुन रहे थे, उनके तरफ से कहा गया जानकारी सामने। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचे थे, ये दरअसल दिल्ली पुलिस का ये एक्शन आप देख सकते हैं, वहां से हटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो चूंकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है सीएम आवास के आसपास, तो 100 से लेकर 200 मीटर के आसपास का जो पूरा इलाका है अब उसे पूरी तरह से खाली किया जाएगा। क्योंकि जैसे ही खबर आई ईडी की टीम के वहां पर पहुंचने की, लगातार तमाम बड़े नेताओं से लेकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो केजरीवाल के समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचना, वो जुटना वहां पर शुरू हो गए थे। और यही वजह है कि लंबा जाम वहां पर सड़क पर लगा हुआ है। और चूंकि अब अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो जाहिर है ईडी की टीम उन्हें लेकर यहां से निकलेगी, ईडी के दफ्तर ले जाएगी। अब अगली तो फिर वो पूरा रास्ता भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगली जो तस्वीर है वो आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर होगी, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम गिरफ्तार करके वहां से ले जाएगी। बाहर एक राजनीतिक मैसेज, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से पहले से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आज